2020 में वरुण धवन साहब की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है दोस्तों स्ट्रीट डांसर 3D। आपको बताना चाहता हूं कि आफ्टर रेस 3 रेमो डिसूजा इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के बारे में एक खास बात बताना चाहता हूं और भाईजान सलमान खान के साथ कनेक्शन बताना चाहता हूं। स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। आ गया है ये होस्ट है दोस्त राहुल भोज आप लोगों को एक दिलचस्प बात बताने के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं तो इस फिल्म के अंदर स्ट्रीट डांसर 3D के अंदर हमें श्रद्धा कपूर देखने को मिलेगी, वरुण धवन देखने को मिलेगा, प्रभु देवा जी देखने को मिलेंगे, नूरा फतेही भी होंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये लोग तो अपने डांस का जलवा दिखाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि भाईजान की राह पर बढ़ गए हैं वरुण धवन साहब। हम जानते हैं कि फिल्म दबंग 3 जो 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है वो दोस्तों तमिल तेलुगु में भी रिलीज हो रही है, कन्नड़ा में भी रिलीज हो रही है। ऐसे में स्ट्रीट डांसर 3D अब दोस्तों रिलीज जो हो रही है वो हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज हो रही है। सो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब ये बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कि वो बड़ी बड़ी फिल्मों को, बड़े स्टार्स की फिल्मों को डाउन साउथ भी रीजनल लैंग्वेज में रिलीज करे। सो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा दोस्तों, और प्लस बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या असर रहता है, कितना अच्छे फिगर्स आते हैं, ये देखना लाजवाब रहेगा। आई एम सुपरली एक्साइटेड। व्हाट इज योर रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ। कीप ऑन वॉचिंग।